हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटिल टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स देख रहे हैं कितना खूबसूरत फूल खिले हैं आज मेरे इस गार्डन में। और फ्रेंड्स ये देख रहे हैं फ्लॉक्स के फूल कितने प्यारे हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लॉक्स की पौध लगाई थी 10 रुपये की ला कर की, और आज इसमें फूल खिले हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको दूसरा फ्लॉक्स दिखाती हूँ। आप ये देख रहे हैं अभी इसमें बर्ड्स आ रही हैं और ख़ूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में ये लगा रखी हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्लॉक्स की मेरे पास में आपको दिखाती हूँ मैं। ये 2-3 प्लांट हैं फ्रेंड्स जो मैंने लगा रखे हैं, और इसमें फूल इस तरीके से फ्रेंड्स खिल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, बट अभी इसके जब फूल खिल के ऑफ हो जाएंगे तो फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर से कटिंग कर दूंगी कि ये और ज़्यादा बुशी हो जाए, और जब इसमें फूल आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे फ्रेंड्स। ये फ्लॉक्स का जो पौधा है ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत ही कलरफुल फूल आते हैं। बहुत ही प्यारा विंटर्स का प्लांट है फ्रेंड्स। ये विंटर्स में इसमें बहुत सारे मार्च तक फूल आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके की पौध बहुत सारी लगा रखी हैं। मैं आपको एक एक करके इनके फ्लावर्स निकलते रहेंगे और मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों के पास में आपने सीडलिंग कर रखी है तो उसको कटिंग करते रहें फ्रेंड्स, जब फूल आके ऑफ हो जाएं तो ये प्लांट्स और बूसी होता चला जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। अभी इनके फूल जब ओल्ड हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल दूँगी, इनकी कटिंग कर दूँगी, बहुत सारे बुशी बुशी हो जाएंगे फ्रेंड्स ये, और बहुत ही विंटर्स में प्यारे लगने वाले हैं। और आपको मैं दिखाऊं, ये मेरा एक ये विटोनिया का है फ्रेंड्स, ये देखिए ये विटोनिया का कलर्स है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अभी बहुत सारी पौध लगा रखी है जिसमें धीरे धीरे फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है फूल आना। तो मैं आपको धीरे धीरे, आप विंटर्स में जब फूल आने चालू हो जाते हैं तो फूल आते रहते हैं, और हम अगर इनकी कटिंग करते रहें तो प्लांट्स बहुत सारा बुशी हो जाता है। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पानी देते रहना है और इनकी कटिंग करते रहना है, और ये बहुत प्यारे प्लांट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे फ्रेंड्स ये अभी दिसंबर तक। मैं आपको इनकी वीडियो कंटिन्यू करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, आप भी पौध लाएँ और लगाएँ, और अपने गार्डन को विंटर्स में ऐसे ही इन खूबसूरत पौध से खूबसूरत बनाते रहें फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी खूबसूरत वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट्स करके फ्रेंड्स। बाय।